पैराबोला। पैराबोला में सबसे देखो कोई भी क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का ग्राफ होता है, जैसे सर्कल था या पैराबोला है, तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि डेफिनेशन, हाउ डू यू डिफाइन इट। तो पैराबोला को डिफाइन करने के लिए आपको ज़रूरत होता है एक पॉइंट एस का x1, y1 और एक लाइन एल का। पैराबोला पे कोई सा भी पॉइंट पी का डिस्टेंसेस का रेशो इस लाइन से और पॉइंट से हमेशा इक्वल होता है। मतलब पैराबोला इज लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट पी विच ऑलवेज रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एस एंड अ फिक्स लाइन एल इक्वल टू जीरो। दैट फिक्स लाइन एल इज कॉल्ड इट्स डायरेक्ट्रिक्स एंड दैट फिक्स पॉइंट एस इज कॉल्ड फोकस ऑफ पैराबोला। तो हर एक फिक्स्ड फोकस और फिक्स डायरेक्ट्रिक्स के लिए यू विल गेट अ पर्टिकुलर पैराबोला। तो आप कह सकते हो पैराबोला इज एक्चुअली अ बाउंड्री विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एस एंड द गिवन लाइन एल। तो पैराबोला के अंदर जितने भी पॉइंट हुए वो सारे एस के नज़दीक हैं एज कंपेयर टू दिस लाइन एल, और पहला पैराबोला के बाहर जितने भी पॉइंट है दोज आर ऑल पॉइंट्स आर क्लोजर टू दिस लाइन एज कंपेयर टू द पॉइंट एस। पैराबोला को ये जो लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जिस लाइन के बॉर्डर पैराबोला सिमेट्रिक होता है, या कह लीजिए फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको पैराबोला का एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस पैराबोला को जहाँ कट करती है इसको वर्टेक्स कहते हैं। और अगर हम ऐसे एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जो कॉर्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब मैं अगर कॉर्ड यहाँ पे एल एम कहता हूँ तो द एल एम कॉर्ड का जो लेंथ है इसको लेट अस रेक्टम कहते हैं, तो हम शॉर्ट में इसको एल आर कहते हैं। एल आर सिंपली पैराबोला के स्ट्रेच को डिफाइन करता है। मतलब मैं आपको अगर एक पॉइंट फोकस दे दूं और एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स दे दूं तो आप पैराबोला का इक्वेशन पता कर लोगे। पी को एच कॉमा के ले लोगे और डिस्टेंस ऑफ मतलब पी एस इक्वल टू पी एम करके लोकस आ जाएगा। पी एस इक्वल टू पी एम करके आपको लोकस मिल जाएगा। अगर आपको एस दिया है, लाइन दिया है, पी का लोकस चाहिए एच कॉमा पे के पी को लिया, तो पी एस इक्वल टू पी एम कर दोगे और सिंप्लीफाई करोगे, एच के को लास्ट में एक्स वाई डाल दोगे तो आपको पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा विद द गिवन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। मगर हमने जब सेकेंडरी जनरल इक्वेशन टू वेरिएबल डिस्कस किया था तो वहाँ पर ये पाया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो, दिस मे रिप्रेजेंट अ पैराबोला एज वेल। तो ये पैराबोला होने का कंडीशन था डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो h को मैं प्लस या माइनस रूट ऑफ ए बी अगर यहाँ डाल देता हूँ तो मुझे पैराबोला का जनरल इक्वेशन मिलता है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस टू जी एक्स 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। सो दिस इज अ पैराबोला। बेसिकली इट कैन रिप्रेजेंट एनी पैराबोला ऑन एक्स वाई प्लेन। तो आप कह सकते हो पैराबोला का जनरल इक्वेशन है एंड मोस्ट प्रोबेबली 99% इसकी इक्वेशन की जरूरत आपको कभी किसी एग्जाम में नहीं पड़ेगी, बिकॉज अभी तक कभी भी जेई मेन या एडवांस में इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स नहीं पूछे गए हुए हैं। पैराबोला ये तो सिर्फ जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया, मगर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। हाँ, कई कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज होते हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती बच्चों को परेशान करने की नीयत से इसके प्रॉब्लम दिए जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, मगर मेंस एडवांस में इसकी ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। मेंस एडवांस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं बस उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं मैं ब्रीफ में आप लोग को एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इधर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, फिर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, देन दिस वन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। सभी केसेस में जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है,
एक्स एक्सिस, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है, यहाँ भी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस है, यहाँ पे भी वाई एक्सिस है, फोकस एस ए कॉमा ज़ीरो, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ए, फोकस माइनस ए कॉमा ज़ीरो, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए, फोकस ज़ीरो कॉमा ए, डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू ए, फोकस ज़ीरो कॉमा माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू ए। सभी का जो लैटस रेक्टम है ये 4a है। सभी में क्या चीज़ें कॉमन है? सबका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, सबका लैटस रेक्टम 4a है, ये बातें सभी के साथ कॉमन है। तो आई होप जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं ये आप सभी को याद होंगे भी और याद रखना भी चाहिए। इन दोनों के अलावा दो फॉर्म्स, इन चारों के अलावा दो फॉर्म्स और याद रखने चाहिए। एक इस बिरादरी का है और एक इस टाइप का है। वो दोनों हैं y इक्वल टू, मैं आपको डायग्राम के साथ बता दे रहा हूँ। बेसिकली ये वही फॉर्म है जो हमने क्वाड्रेटिक में भी डिस्कस किया था, पैराबोला में भी। इसके बारे में मैं बता देता हूँ, याद रहेगा तो आपका समय बचता है। अगर कोई पैराबोला का लाइन ऑफ सिमेट्री y एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन होता है। अगर किसी पैराबोला का लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का पैराबोला होता है। सो ये दोनों फॉर्म्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो मेथड क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, अगर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो ये रिड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। सो एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर वन बाई ए वाई प्लस डी बाई फोर ए। इसको देख करके आप समझ जाते हैं कि जो वर्टेक्स है इसका माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए है, और इसका जो लैटस रेक्टम है दैट इज़ द कोशेंट ऑफ वाई इट इज़ वन बाय ए। तो वर्टेक्स पता है, एल आर पता है, मतलब ये हो चाहे ये हो, इसका जो लैटस रेक्टम होता है वो कोशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है। मतलब यहाँ पे वन बाय ए एल आर है, यहाँ पे भी वन बाय ए है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स टाइप का आएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि इन दोनों में बस अंतर ये है कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, अबाउट लाइन वाई इक्वल टू एक्स, जस्ट स्वैप एक्स एंड वाई। तो आपको मिलेगा y प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर इज़ वन बाई ए एक्स प्लस डी बाई फोर ए। सो द वर्टेक्स इज माइनस डी बाई फोर ए कॉमा माइनस बी बाई टू ए, और एल आर इसका भी वन ए होता है। तो आपको कभी भी कोई अगर ऐसा पैराबोला चूज़ करना हो जिस पैराबोला का एक्सिस x के पैरेलल है, आई कैन टेक लाइक दिस। अगर कोई पैराबोला चूज़ करना हो जिसका एक्सिस y के पैरेलल है, आई कैन टेक y एज ए क्वाड्रेटिक इन x। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कोई पैराबोला है, उसका इक्वेशन मुझे एज्यूम करना है। मान लीजिए उस पैराबोला का एल आर 3 है एंड एक्सिस इज पैरेलल टू से y एक्सिस, तो आई कैन चूज दैट पैराबोला एज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि एल आर 3 था तो कोशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने 1/3 ले लिया। अब बी और सी बस अननोन रहेंगे, तो और जो कंडीशंस वहाँ पे दी हुई होंगी उनको यूज़ करके आप बी और सी भी पता कर सकते हो। सो दीज वेर ऑल द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। वैसे तो चार होते हैं मगर चार को ही मैंने 6 बना दिया है। ये दो केसेस और हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। एक मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ फिर आगे बढ़ूँगा। मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस कुछ भी, चलो माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0, कुछ भी मैंने ऐसा ले लिया। ऑफकोर्स ये कोई पैराबोला है और इस पैराबोला को मेरे को ड्रॉ करना है, तो मुझे मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीटिंग स्क्वायर ला सकता हूँ। ऐसा लाने के लिए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, सो 3 को सर एक्स स्क्वायर 1 बना लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 एक्स माइनस 2y बाई 3 प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 0।
परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कभी भी एक्स स्क्वायर और 2x/3 में ऐड करना चाहिए क्या? कोशेंट ऑफ एक्स के आधे का स्क्वायर, कोशेंट ऑफ एक्स 2/3 है, इसका आधा मतलब 1/3 का स्क्वायर मैं जोड़ूंगा और ये मैं जोड़ूंगा दोनों तरफ, 2y/3, 1/3 उधर ले गया तो 1/9 मैं दोनों तरफ ऐड कर दिया, यहाँ भी लेफ्ट साइड बना एक्स प्लस 1/3 स्क्वायर, राइट साइड में 2y/3, ऊपर जो 3 मल्टीप्लाई 1/3 कितना हो गया -2/9, इट इज एक्स प्लस 1/3 स्क्वायर इज 2/3 वाई माइनस 1/3। तो मुझे ये पैराबोला किस फॉर्म में मिल गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फॉर्म में मिला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इस फॉर्म में मिल गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फॉर्म में है सो दिस पैराबोला ओपन्स अप, पैराबोला ओपन्स अप, वेयर इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स इज -1/3, 1/3 एंड द लाइन ऑफ सिमेट्री एक्सिस इज एक्स इक्वल टू -1/3, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज LR? LR 4a क्या दिखता है, LR है इसका 2/3, तो यहाँ से a क्या मिलता है, a मिलता है आपको 1/6। तो कभी भी आप अगर वर्टेक्स से 1/6 अंदर जाओगे तो फोकस पहुँच जाओगे और 1/6 बाहर जाओगे तो LR पे पहुंच जाओगे। वर्टेक्स से A अंदर जाओगे तो फोकस आएगा, उतना ही बाहर जाओगे तो डायरेक्ट्रिक्स आएगी। अंदर का मतलब होता है यहाँ पे ऊपर, ऊपर जाता हूँ तो Y कोऑर्डिनेट 1/6 से बढ़ जाएगा, S विल बी -1/3, 1/3 + 1/6, ऊपर चला गया 1/6, नीचे 1/6 से आऊँगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की होती है एंड दैट कॉन्स्टेंट विल बी 1/3 -1/6, क्योंकि मैं यहाँ से नीचे 1/6 आया हूँ। ये है डायरेक्ट्रिक्स, ये है वर्टेक्स, ये है फोकस, ये है एक्सिस। LR हम पहले पता कर चुके थे, LR इज 2/3। तो इन दिस वे बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर यू कैन डू ऑल द ट्रेसिंग थिंग्स। एक्चुअली आप लोग के मन में एक डायलमा यहाँ हो सकता है कि अगर कभी किसी इक्वेशन में पैराबोला के एक्स इंटू वाई की टर्म भी होगी तो क्या करेंगे, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने तभी यूज़ किया जब एक्स इंटू वाई की टर्म मौजूद ना हो। एक्स इंटू वाई कभी हो तो क्या करते हैं, इसकी ज़रूरत भी कभी वैसे तो पड़ी नहीं है बट इन रेयर ऑफ द केसेस कभी कभी एडवांस में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, ऐसा कोई भी इक्वेशन हो, दिस मे बी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी है ये, और कभी भी एक्स वाई की टर्म वहाँ पे अगर है तो मैं TSS1 का कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा सकता, मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो मैंने अभी बताया मैं ये सब भी नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे केसेस में हमें चाहिए होता है कि हम पहले एक्स वाई की टर्म वहाँ से हटाएं, तो हम रोटेशन ऑफ एक्सिस को करके सूटेबल एंगल से कभी भी हम एक्स वाई की टर्म गायब कर सकते हैं, एच को ज़ीरो कर सकते हैं। अगर मैं थीटा को हाफ टैन इनवर्स 2h/a-b, ये एंगल आपको याद रखना होता है, हाफ टैन इनवर्स 2h/a-b, अगर मैं एक्सिस को, अगर मैं क्वाड्रेंट एक्सिस को इतने एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ अबाउट ओरिजिन, व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैं एक्स वाई एक्सिस को ओरिजिन के अबाउट इतने एंगल से रोटेट करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक्स वाई की टर्म वैनिश हो जाती है। तो कभी पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो और ऐसा कोई इक्वेशन दिया हो जहाँ पे एक्स वाई की टर्म आती है, तो पहले आप इतने एंगल से एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे, एक्सिस को पहले घुमा दोगे। एंटी क्लॉकवाइज इतने एंगल से घुमाते कैसे हैं ये मैं लास्ट क्लास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के एंड में आपको बता चुका हूँ, शिफ्टिंग ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस मैंने आपको बताया था।
उसके बाद जो इक्वेशन आया वहां पे जो भी कुछ करना है कर लीजिए, ये करना हो कोई फॉर्मूला लगाना हो जो भी करना हो कर लो, और उसके बाद वापस प्रीवियस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करने के लिए उतने ही एंगल से क्लॉकवाइज एक्सिस को फिर से घुमा दो। मतलब पहले एक्सिस को अपन ने एंटी क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज किया, जो भी कुछ करना था वो किया, आंसर आ गया, उसके बाद वापस हमने एक्सिस को क्लॉकवाइज घुमा दिया बाय द सेम अमाउंट। मतलब हमने आंसर फिर से उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वापस कर दिया जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिस फॉर्मूला मे बी यूज, बट इस पे मैं प्रॉब्लम्स नहीं करा रहा क्योंकि इसकी ज़रूरत भी अभी तक जेईई एडवांस में या मेन में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी है, बट क्योंकि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है तो आपकी जानकारी के लिए मैंने इसको बताया है। पैराबोला में सबसे ज़्यादा जो इक्वेशन काम में आ सकता है जिस पे आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पे कोई भी पॉइंट आपको लेना पड़ेगा तो आप ad स्क्वायर 2ad लेते हो, इसी को शॉर्ट में t बोला जाता है। मतलब मैंने यहाँ पे बोला कोई पॉइंट है t1, मतलब q का कोऑर्डिनेट होगा at1 स्क्वायर कॉमा 2at1। तो देर में भी पॉइंट्स ऑन पैराबोला t1 t2 t3 सो ऑन, इस तरीके के पॉइंट्स पैराबोला पे एज्यूम किए जा सकते हैं। अगर मुझे किसी पॉइंट पे किसी कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो आई कैन राइट टी इक्वल टू जीरो, जो सर्कल्स में बताया था आपको टी इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन कोशेंट ऑफ एक्स का आधा करके एक्स की जगह पे एक्स प्लस एक्स वन। ओके, सो टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए डी स्क्वायर, ये टी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन आता है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो 1/t है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर अस, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मतलब कोई भी टी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, 1/t। टी वन पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, 1/t1। मतलब मैंने आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू -12x पैराबोला पे 1/5 स्लोप का टेंजेंट, अगर मतलब मैंने इस पैराबोला पे इस स्लोप के टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा, इस पैराबोला पे इस स्लोप के टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा, तो आप समझ जाओगे कि ये तो ऐसा होता है तो टी तो 5 हो गया, यहाँ से 4a -12 हुआ तो a तो -3 आ गया, a पता है t पता है, सो व्हाट विल बी पॉइंट, ad स्क्वायर कॉमा 2at, दैट इज़ व्हाट -3 × 25, 2 − 3, 5, एंड द आंसर विल बी लाइक दिस, व्हाट इज़ इट, -75, जो भी आ रहा है। ओके, सो मतलब मेरे को सिर्फ टेंजेंट पता था, स्लोप पता था, स्लोप से टी निकाल सकता हूँ, टी से स्लोप निकाल सकता हूँ। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, m इक्वल टू 1/t यूज़ किया। उसके बाद जब मुझे t आ गया और मुझे a यहाँ से मिल गया, याद रखिए जब भी कोई फॉर्मूले में डालने के लिए a निकालना होता है तो वी ऑलवेज चूज a विद साइन। -12 लिया और a को विद साइन मैंने -3 लिया, नॉट 3। ओके, a आ गया, t आ गया तो मुझे पॉइंट मिल गया, तो इस तरीके से यूज़ होता है। तो पैराबोला में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करके काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। पैराबोला में लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का बता रहा था कि इस पे कोई भी पॉइंट आपने अगर मान लीजिए लिया हुआ है ad², 2ad, तो इस पे टेंजेंट का स्लोप होता है 1/t। मतलब आपको टी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पता होगा तो टी आ जाता है, टी पता होगा तो स्लोप आ जाता है। और जैसे हमने ये भी देखा था कि पी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए डी स्क्वायर होता है। टी पे इस पैराबोला के टेंजेंट का ये इक्वेशन होता है, तो अगर मैं टी को यहाँ पे 1/m डालता हूँ तो मुझे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम मिलेगा। सो इन दैट वे इस पैराबोला का आप ये m स्लोप का टेंजेंट पता कर सकते हैं।
मगर जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो दोनों में काम में आता है, मतलब वेदर पैराबोला ओपन्स राइट और लेफ्ट, पैराबोला किधर भी ओपन होता रहेगा तो ए को विद साइन यहाँ पे लेंगे तो दोनों केसेस के लिए यही वाला इक्वेशन काम में आएगा। जैसे सर्कल में था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, वैसे ही पैराबोला का एम स्लोप का ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है। ठीक है, पैराबोला के टेंजेंट्स से जुड़ी कुछ बातें आप लोगों को और याद रखना चाहिए कि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स पे, अगर मान लीजिए ए कोई पॉइंट है टी वन, बी कोई पॉइंट है टी टू, तो टी वन टी टू पे टेंजेंट्स का इक्वेशन हमको पता होता है। आपको याद रखना होता है कि टी वन टी टू पे जो टेंजेंट्स होते हैं, दोज टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू। टी वन पे टी टू पे टेंजेंट्स का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, टी वन का टी टू का टेंजेंट निकल जाता ये वाले फॉर्मूले से, उन दोनों को सॉल्व कर लेते फॉर एक्स वाई तो ये आ जाता, इसको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि इफ़ देर इज अ पॉइंट ए टी वन, याद है ना आपको, अगर मैं शॉर्ट में टी वन टी टू कह रहा हूँ इसका क्या मतलब होता है, टी वन का मतलब होता है ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, टी टू जो मैंने लिखा है शॉर्ट में बी पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट है ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू। तो टी वन अगर ए है, टी टू मान लीजिए बी है, तो आपको ए बी कॉर्ड का टी वन टी टू को जोड़ने वाले कॉर्ड का स्लोप भी याद रखना होता है, और इसका टी वन टी टू को जोड़ने वाले कॉर्ड का स्लोप होता है टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, टू अपॉन टी वन प्लस टी टू। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि ओ ए और ओ बी का स्लोप भी आ जाएगा, ओ ए ओ बी का स्लोप भी इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। स्लोप ऑफ ओ ए निकालना हो तो टू बाई टी वन है, स्लोप ऑफ ओ बी लेना हो तो टू बाई टी टू है। तो कभी मैंने आपसे अगर ये कहा कि ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स, मान लीजिए कभी हमें ऐसे कोई कॉर्ड के बारे में बोला जा रहा है विच सबटेंड्स अ राइट एंगल एट वर्टेक्स, मतलब अगर बी टी टू है ए टी वन है, इट सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स, इसका मतलब हो गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन हो जाएगा, एंड दैट्स वाई यू विल बी गेटिंग टी वन टी टू इक्वल टू माइनस फोर। तो टी वन टी टू के बीच का रिलेशन ये क्या होता है, इसको आपको याद रखना होता है। टी वन टी टू अगर माइनस वन होता है, टी वन टी टू अगर माइनस फोर होता है, इसका मतलब हुआ कि द कॉर्ड सबटेंडिंग ए एंड बी टी वन टी टू सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स ओ। अगर मान लीजिए कभी आपको इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले कॉर्ड का लेंथ चाहिए होता है, मतलब पैराबोला पे आपको दो पॉइंट पता रहता है और उनको जोड़ने वाले कॉर्ड का आपको लेंथ चाहिए, कॉर्ड ए बी टी वन टी टू के फॉर्म में भी हो, एक्स वन वाई वन के फॉर्म में हो, मैं इसलिए जनरल केस ले ले रहा हूँ। अभी मैं लेंथ ऑफ कॉर्ड का जो तरीका आपको बता रहा हूँ, ये तरीका पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सभी में काम में आता है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सभी के लिए काम में आएगा। सो मान लीजिए ये ए और बी दो पॉइंट आपको पता है, और सॉरी दो पॉइंट नहीं पता है, मान लीजिए हमें ये लाइन पता है, मैं कोई कॉर्ड का इक्वेशन ले ले रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको पॉइंट पता है तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना इज़ ऑलरेडी इजी, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी लेंथ आ जाएगा। तो पॉइंट नहीं दे रहा मैं आपको, मैंने आपको ये लाइन का इक्वेशन दे दिया, ए बी लाइन का इक्वेशन दे दिया, और ए आपको पता है x1 y1 सॉरी मतलब एज्यूम किया, और b को एज्यूम किया x2 y2, व्हाट इज गिवन पैराबोला पता है y स्क्वायर 4ax, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है y इक्वल टू mx प्लस c, m और c भी पता है, पैराबोला का a पता है,
ए और बी जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने एज्यूम किया है, x1 y1 x2 y2 ये मुझे पता नहीं है और मुझे कॉर्ड लेंथ पता करना है। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द पैराबोला ऑन दैट गिवन लाइन। सो ए बी का लेंथ पता कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और टू पॉइंट फॉर्मूला जो स्लोप का होता है वहाँ से y1 माइनस y2 आ जाता है एम एक्स वन माइनस एक्स टू, ये स्लोप के फॉर्मूले से आ जाता है। तो अगर आप उसको यहाँ पे यूज़ करते हो तो इट इज़ मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व करने का मतलब होता है y को मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो y को मुझे यहाँ डाल देने पे आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन x, एक x में क्वाड्रेटिक मिलेगा। इस क्वाड्रेटिक से आपको रूट्स का सम एंड रूट्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा, और अगर रूट्स का सम प्रोडक्ट आ गया तो इसकी वैल्यू भी मिल जाती है। ये कैसे मिल जाता है? डिफरेंस ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा सम प्रोडक्ट, आप यहाँ से निकाल लोगे इधर डाल दोगे, इसको यहाँ डालने पे दैट विल बी दी लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द गिवन पैराबोला ऑन अ गिवन लाइन। ऑफ कोर्स हमने ए और बी यहाँ पे निकाला नहीं है, बिना निकाले कॉर्ड लेंथ ए बी पता कर लिए, एंड दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द थ्री चैप्टर्स पैराबोला एलिप्स एंड हाइपरबोला, तीनों के लिए काम में आएगा। पैराबोला चैप्टर में यू विल फाइंड दैट जो फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और उनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ फोकल कॉर्ड? वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स पैराबोला का एस फोकस है, वहाँ से पास होने वाला कॉर्ड अगर ए बी है तो ए बी एक फोकल कॉर्ड होता है। अगर ये टी वन है ये टी टू है तो ए बी विल बी अ फोकल कॉर्ड If T1 into T2 is minus 1, ये कंडीशन आ जाती है पॉइंट ए को एस को और बी को कोलिनियर बना के। कोलिनियर बनाने के लिए क्या करना होता है? स्लोप ऑफ ए बी को स्लोप ऑफ ए एस से इक्वेट कर दोगे। ए बी का स्लोप कुछ देर पहले आपको बताया था 2 बाई टी वन प्लस टी टू, ए एस का स्लोप टू पॉइंट फॉर्मूला से आ जाएगा, दोनों पॉइंट आपको पता है तो वहाँ से कंडीशन डिराइव हो जाएगी। इसका यह भी मतलब होता है कि कभी अगर मुझे फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पी और क्यू एज्यूम करना है तो आई कैन ऑलवेज टेक टी एंड माइनस वन बाई टी, क्योंकि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट माइनस वन होता है, तो उनको टी वन टी टू ना लेते हुए यूजिंग दिस वी कैन एज्यूम एक को टी दूसरे को माइनस वन बाई टी, सो दैट इनको मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट माइनस वन। ठीक है, एक्चुअली फोकल कॉर्ड से जुड़ी हुई एक बात और है जो मैं यहीं आपको बता देता हूँ। पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स आपको पता रहता है, जैसे इसका ये है, अगर मैं ए से ड्रॉप करता हूँ उस पर परपेंडिकुलर दिस इज एम, बी से ड्रॉप करता हूँ उस पर परपेंडिकुलर मान लीजिए एन, तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला अपने को पता होता है कि ए एस यहाँ पे ए एम होता है और जो बी एस है ये बी एन होता है। तो पैराबोला के लैंग्वेज में ए एस और बी एस को क्या बोला जाता है? फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स, मतलब कोई पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस कहलाता है फोकल डिस्टेंस, कोई पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस कहलाता है फोकल डिस्टेंस। ये ए का डिस्टेंस है फोकल डिस्टेंस, ये बी का फोकल डिस्टेंस है। ए एस ए एम हो जाएगा, बी एस बी एन हो जाएगा। इस तरीके से भी मैं इस कॉर्ड की लेंथ, फोकल कॉर्ड की लेंथ पता कर सकता था, मतलब जो फोकल कॉर्ड ए बी है ये ए एस प्लस बी एस हो जाता, ए एस प्लस बी एस हो जाता और ए एस यहाँ पे ए एम हो जाता और जो यहाँ पे बी एस है वो बी एन हो जाता। तो अपने को ए एम बी एन तो पता ही रहता है। ए एम क्या है यहाँ पे? दिस इज ए, ए प्लस ए डी वन स्क्वायर, एंड ये क्या है ए, और ये हो गया ए डी टू स्क्वायर। ऑफकोर्स टी वन टी टू में रिलेशन अपने को पता है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ फोकल कॉर्ड। तो इस तरीके से हम फोकल कॉर्ड की लेंथ भी पता कर सकते हैं। एक्चुअली
फोकल कॉर्ड की लेंथ का जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये फोकल डिस्टेंस निकालने की वाली बात भी हो गई, और इसके साथ साथ ASBS को और भी कुछ नाम होता है। ASBS को हम क्या क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस भी कहते हैं, ASBS को हम सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड भी कहते हैं, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, AB के फोकल डिस्टेंसेस भी बोलते हैं, और AB यहाँ पे पूरा जो कॉर्ड का लेंथ है वो फोकल कॉर्ड तो कहलाता ही है। अब इसके बाद हम फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कॉर्ड इज़, मैं y²4x का यूज़ कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को बताने के लिए, सभी को बताने के लिए, बट ऑल द प्रॉपर्टीज़ आर एप्लीकेबल फॉर ऑल द पैराबोलाज, नॉट जस्ट फॉर y²4x, किसी भी पैराबोला के लिए एप्लीकेबल होगा। सो फोकल कॉर्ड AB के एंड पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट्स के बारे में दो बातें बोली जा सकती हैं। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स A और B पे हम जब भी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दो बातें होती हैं। पहली बात, उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल राइट एंगल होता है। दूसरी बात, दोज टू टेंजेंट्स ऑलवेज मीट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ सेम पैराबोला। तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट्स हैं वो राइट एंगल पे एक दूसरे से होते हैं, एंड दे विल ऑलवेज मीट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ गिवन पैराबोला। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर मैं फोकस को पोल लेता हूँ, अगर मैं फोकस को पोल लेता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स उसका पोलर है। आप इस बात को वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस, सर्कल में तो सर्कल होता था जिसको डायरेक्टर सर्कल बोलते थे, बट पैराबोला में वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है। दिस इज द रीज़न व्हाई इन पैराबोला डायरेक्टर सर्कल विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सर्कल में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, सर्कल में, एलिप्स में, हाइपरबोला में दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस एक सर्कल होता है, उसको डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, मगर पैराबोला में ऐसा जो लोकस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो उसी पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है। हम इसी प्रॉपर्टी को आगे देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट, नेक्स्ट, सेकंड, अगर AB एक फोकल कॉर्ड है पासिंग थ्रू फोकस S, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि AS और BS कैसे निकाला जा सकता है। ASBS को बोलते हैं व्हाट, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि हार्मोनिक मीन ऑफ AS एंड BS इज सेमी LR ऑफ पैराबोला। सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड का जो हार्मोनिक मीन होता है दैट इज इक्वल टू द सेमी लैटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। सेमी LR का मतलब होता है पैराबोला के लैटस रेक्टम का आधा, दैट इज सेमी लैटस रेक्टम। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी हार्मोनिक मीन इनका निकालोगे तो 2/1 AS प्लस 1/BS आएगा, एंड दैट विल बी 1/ व्हाट, सेमी LR, मतलब क्या होगा ये 2A होगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि 1/AS प्लस 1/BS इज 1/OS, बिकॉज जो OS है यहां पे यही A है, A ही OS है। तो ये तो स्पेसिफिकली इसी पैराबोला के लिए हुआ y²4ax, बट इन जनरल यू कैन से दिस कि 1/AS प्लस 1/BS विल बी इक्वल टू 1/OS। दिस इज अ ज्योमेट्रिक फीचर एप्लीकेबल फॉर ऑल द पैराबोलाज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप जब भी कभी फोकल कॉर्ड को AB को डायमीटर लेके कोई सर्कल बनाओगे तो दैट सर्कल विल ऑलवेज टच द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ सेम पैराबोला, एंड दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी। वो अलग है, ये अलग है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये वही प्रॉपर्टी है, मगर ये कम्प्लीटली अलग है। सो व्हाट वाज दिस, अगर कभी भी आप किसी भी पैराबोला के फोकल कॉर्ड AB को डायमीटर लेके सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल हमेशा पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा,
मैंने एग्जांपल में वाई स्क्वायर फोर एक्स लिया है, मगर जनरल प्रॉपर्टी है सभी पैराबोलास के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप कभी भी ए बी फोकल कॉर्ड है तो ए एस एंड बी एस विल बी कॉल्ड सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड। अगर सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड को डायमीटर लेके आप कभी भी सर्कल बनाते हो इस तरीके से, सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड को डायमीटर लेके कभी भी सर्कल बनाते हो, तो दैट सर्कल विल टच द टेंजेंट टू पैराबोला एट वर्टेक्स वाई स्क्वायर फोर एक्स का ओ वर्टेक्स है, वहाँ पे टेंजेंट वाई एक्सिस है। सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड को डायमीटर लेके जब भी सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल हमेशा पैराबोला के वर्टेक्स के टेंजेंट को टच करेगा। ये भी एक फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझा जा सकता है बाय दिस सिंपल डायग्राम। कोई भी पैराबोला पे मैंने मान लीजिए किसी पी पॉइंट पे टेंजेंट लिया। अब अगर मैं उस टेंजेंट पे फोकस एस से ड्रॉप करता हूँ परपेंडिकुलर, किसी भी, मैं वैसे एग्जांपल में वाई स्क्वायर फोर एक्स ले रहा हूँ बट जनरल बात है फॉर एवरी पैराबोला। अब अगर किसी भी पैराबोला पे मैंने पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट पे फोकस से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो दैट परपेंडिकुलर विल कट द टेंजेंट एट द सेम पॉइंट वेयर द टेंजेंट कट्स टेंजेंट टू पैराबोला एट वर्टेक्स। मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हमेशा कॉन्करेंट होंगी। मतलब किसी भी पी पॉइंट के टेंजेंट पे फोकस से परपेंडिकुलर विल कट द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर दैट टेंजेंट कट्स द टेंजेंट टू पैराबोला एट वर्टेक्स ओ। मैंने वाई स्क्वायर फोर एक्स लिया है तो वर्टेक्स यहाँ पे ओरिजिन है। जरूरी ही नहीं है कि वर्टेक्स ओ हमेशा ये, मतलब ओरिजिन हो, जनरल प्रॉपर्टी है। अभी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पी से एक लाइन जो एक्सिस के पैरेलल है, तो वो लाइन एस एम एस एन को प्रोड्यूस करने पे उसी पॉइंट एम पे कट करेगी जिस एम पे डायरेक्ट्रिक्स ने उसे कट किया था। मतलब अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स पे पी पॉइंट से ड्रॉप करता हूँ परपेंडिकुलर, सो दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल बी द पॉइंट वेयर एस एन कट्स द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन भी तीनों कॉन्करेंट होगी। अब अगर मैं एस पी को जोड़ देता हूँ तो अपने को पता है यहाँ पे एस पी इक्वल टू पी एम होता है बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। इस कारण से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। मतलब किसी भी पॉइंट का जो टेंजेंट होता है वो एंगल एम पी एस का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है। एंड ऑल्सो यू कैन से दैट जो एन पॉइंट है वो एम और एस का मिड पॉइंट होता है। मतलब जो एन है वो एम एस का मिड पॉइंट भी होता है। पी पॉइंट पे टेंजेंट एंगल एम पी एस का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो ये इस डायग्राम से काफ़ी सारी कनेक्टिंग बातें समझी जा सकती हैं और ये कई सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने आप में ये डायग्राम कंटेन करता है। अब मैं इसको इस तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ कि मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है। मतलब आप पैराबोला पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करिए, पैराबोला पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करिए, अब जब भी फोकस का उस टेंजेंट पे इमेज निकालोगे तो दैट विल लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स और नॉट। मैंने क्या बोला, क्लियर है? आप पैराबोला का कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो, उस टेंजेंट पे फोकस का जो मिरर इमेज होगा दैट विल ऑलवेज लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ गिवन पैराबोला। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट विल बी द लोकस ऑफ इमेज ऑफ फोकस ऑफ अ पैराबोला अबाउट एनी टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला, सो आंसर विल बी द लोकस विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट विल बी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द गिवन पैराबोला। और इस पे प्रॉब्लम आपको मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये फोकस दे दिया और खैर चलो, इसको तो बहुत तरीकों में, इस प्रॉपर्टी को मैं एक प्रॉब्लम दे रहा, क्योंकि यहाँ तो दसों प्रॉब्लम बन सकता है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के दौरान विल सी कि ये और कैसे कैसे काम में आ सकता है। एक बात और जो यहाँ पे इजीली दिख रही है वो ये है कि अगर मैं एम पी को आगे से प्रोड्यूस करता हूँ
तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो ये वाली है नॉर्मल, नॉर्मल विल बाइसेक्ट दिस एक्सटीरियर एंगल, तो नॉर्मल बाइसेक्ट करता है एक्सटीरियर एंगल को, टेंजेंट बाइसेक्ट करता है ये इंटीरियर एंगल MPS को, इसको याद रखना है। नाउ देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनदर प्रॉपर्टी कि आप किसी भी पैराबोला पे अगर तीन पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो मैंने A पे, B पे और C पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिया। अब मैं ABC को आपस में जोड़ देता हूँ, ट्रायंगल ABC मिल गया। एक और ट्रायंगल आपको टेंजेंट्स से मिल रहा है, मान लीजिए इट इज़ PQ and R। पैराबोला पे ABC तीन पॉइंट है, तो पैराबोला के उन तीन पॉइंट्स ABC में वी हैव ड्रॉन टेंजेंट्स, टेंजेंट टू पैराबोला एट A, B and C। तो टेंजेंट से बनने वाला ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल PQR आपको दिखता है, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR के एरिया का डबल, ट्रायंगल PQR के एरिया का डबल ट्रायंगल ABC का एरिया होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि जेई एडवांस में भी पूछी जा चुकी है। इसमें अभी तक मैंने T1 T2 में आपको दो बातें बताई, T1 T2 के बारे में दो बातें बताई। T1 T2 अगर -4 होता है, मतलब T1 T2 को जोड़ने वाला कॉर्ड पैराबोला के वर्टेक्स पे राइट एंगल सब्टेंड करता है। अगर T1 T2 -1 होता है, इसका मतलब जो T1 T2 को जोड़ने वाला कॉर्ड है वो y²4x का एक फोकल कॉर्ड है। तो ये फोकल कॉर्ड की पहचान है जो दूसरा वाला आपको दिया हुआ है। फिर नॉर्मल्स, पैराबोला y²4ax का कोई भी पॉइंट टी पे नॉर्मल का इक्वेशन याद रखना होता है। पी क्यू नॉर्मल है, तो इस पैराबोला के पी क्यू को नॉर्मल कॉर्ड बोला जाएगा। तो नॉर्मल कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन, या कह लीजिए टी पॉइंट पे पैराबोला का नॉर्मल हो जाएगा y=-tx+2ad+ad³। ऐसा होता है। और टी पॉइंट का नॉर्मल पैराबोला का दोबारा अगर T1 पे कट कर रहा है, तो t1-t-2/t होता है। ऑफकोर्स पी क्यू का स्लोप हो जाएगा 2/t+t1, मगर टी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 1/t होता है। तो नॉर्मल का तो -t होगा, इसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन, तो इसका स्लोप हुआ 2/t+t1 एंड दैट विल बी -t। वहाँ से ये t1 आ जाता है। दिस इज़ हाउ वी गेट इट। तो पी क्यू एक नॉर्मल कॉर्ड है, अगर वो पी पे नॉर्मल है तो दूसरे एंड पॉइंट का पैरामीटर इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। और अगर अगर किसी पैराबोला पे कोई दो पॉइंट के नॉर्मल्स, किसी दो पॉइंट के नॉर्मल वापस अगर पैराबोला पे मिलते हैं, मतलब पी टी वन क्यू टी टू के नॉर्मल्स अगर वापस पैराबोला पे मिलते हैं, पी और क्यू पॉइंट T1 T2 पैराबोला पे लाई करते हैं, उन दो नॉर्मल्स पी और क्यू पे जो पैराबोला के नॉर्मल्स हैं वो वापस अगर पैराबोला पे ही कट करते हैं, इन दिस केस T1 T2 2 होता है। इन दिस केस T1 T2 2 होता है। तो T1 T2 2 मतलब T1 T2 पे जो नॉर्मल्स हैं वो पैराबोला के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। और T1 T2 -1 T1 T2 -4 भी क्या होता है देख चुके हैं। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। इसमें आप अगर मान लीजिए कोई भी पी पॉइंट का नॉर्मल है, उसको आपने अगर ए अल्फा कॉमा बीटा से पास करा दिया, तो यू विल फाइंड कि मान लो अल्फा बीटा मैंने यहाँ डाला, तो ad³+2a-α(t-β) आपको एक क्यूबिक मिलता है, आपको एक क्यूबिक मिल जाता है। क्यूबिक मिलने का ये मतलब हुआ कि अल्फा बीटा से पैराबोला पे सिर्फ यही एक नहीं बल्कि तीन नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं।
इस बात का ये मतलब है कि पैराबोला वाई स्क्वायर फोर एक्स पे किसी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा से वी कैन ड्रॉ अप टू थ्री नॉर्मल्स। मतलब ये अगर ए था तो बी ए सी ए डी ए ऐसे तीन नॉर्मल्स तक ए से गुजर सकते हैं। तीन नॉर्मल्स तक बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्यूबिक मिला है। अगर एक रियल रूट हुआ तो अल्फ़ा बीटा से सिर्फ एक नॉर्मल पास करेगा, और अगर इसका तीन रियल रूट हुआ तो अल्फ़ा बीटा से हम पैराबोला पे तीन नॉर्मल ड्रॉ कर पाएंगे, और उन नॉर्मल्स के जो फूट होते हैं मतलब बी सी डी जो होते हैं इनको ही बोला जाता है को नॉर्मल पॉइंट्स। तो पॉइंट्स बी सी एंड डी आर को नॉर्मल पॉइंट्स। को नॉर्मल पॉइंट्स से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हमेशा पैराबोला की एक्सिस पे लाई करता है। ये को नॉर्मल पॉइंट्स है, सॉरी मैंने इसको वर्टेक्स से जोड़ दिया, सी को नॉर्मल पॉइंट्स। बी सी डी को नॉर्मल पॉइंट्स है, उनसे बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हमेशा पैराबोला की एक्सिस पे लाई करेगा। ऑफकोर्स यू कैन ईजिली सी कि टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री यहाँ पे ज़ीरो है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स का सम माइनस बी बाई ए होता है एंड रूट्स का सम ज़ीरो है क्योंकि टी स्क्वायर की कोशेंट यहाँ पे ज़ीरो है। इससे जुड़ी एक बात आपको और याद रखनी है कि मैंने एग्जांपल तो वाई स्क्वायर फोर एक्स का लिया है, बट जनरल बात है अगर हम पैराबोला पे एक्सिस के अलोंग यहाँ से ए दूरी पे तो फोकस होता है, उतना ही और अंदर जाएं अगर ए दूरी पे, मतलब हम कितना यहाँ से टू ए डिस्टेंस पे आ गए, वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये वाला पॉइंट सपोज एम है, तो बेसिकली एक ऐसा एक कर्व होता है उसको कैलकुलस से डिराइव किया जाता है। उस कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं उन सभी पॉइंट से पैराबोला पे वी कैन ड्रॉ थ्री नॉर्मल्स। मतलब इन अदर वर्ड्स जो पॉइंट एम है टू ए कॉमा ज़ीरो उसके बाद पैराबोला की एक्सिस पे कोई से भी पॉइंट से आप इस पैराबोला पे ड्रॉ कर पाओगे तीन नॉर्मल्स, और एक्सिस पे या कोई सा भी पॉइंट जो इस लाइन के लेफ्ट में है वहाँ से पैराबोला पे ड्रॉ किया जा सकेगा जस्ट वन नॉर्मल। सो इस कर्व को पता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उस पर बेस्ड आज तक आईटी में क्वेश्चंस आए हैं। इससे जुड़ी बस ये बात याद रखनी होती है आपको कि 2a कॉमा 0 के बाद एक्सिस पे कोई भी पॉइंट से पैराबोला पे तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। 2a कॉमा 0 से या उसके पहले किसी भी पॉइंट से वी कैन ड्रॉ एग्जैक्टली वन नॉर्मल टू द पैराबोला। तो बस यहाँ ये याद रखना होता है कि तीन नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं और एक नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ किया जा सकता है, ये बस इस बारे में है। एंड दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स बेसिकली इन पे बेस्ड प्रॉब्लम कभी कभी जेई में आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना होता है। छोटी सी मैं आपको कन्वर्शन बता रहा हूँ, लाइक हाउ डू वी कन्वर्ट द थिंग्स, वो कई बार काम में आता है। मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई है, इस पर आपको पैरामेट्रिक पॉइंट लेना है तो ए डी स्क्वायर कॉमा टू ए डी लेते हो, इस पर लेना है आपको तो ये पैराबोला का ये मिरर इमेज अबाउट लाइन वाई इक्वल टू एक्स, तो ये टू ए डी कॉमा ए डी स्क्वायर हो जाएगा, टू ए डी कॉमा ए डी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस पैराबोला का टी पॉइंट पे टेंजेंट टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए डी स्क्वायर होता है तो इसके लिए एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो तो टी एक्स इक्वल टू वाई प्लस ए डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे इसका स्लोप 1 बाई टी है, मगर यहाँ पे इसका स्लोप टी है, इस वजह से मैं टी को यहाँ 1 बाई एम डालूंगा तो मेरे को वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम मिलेगा, मगर मैं यहाँ पे टी को एम डालूंगा तो मेरे को एम एक्स इक्वल टू वाई प्लस ए एम स्क्वायर मिलेगा। जिस तरीके से इस पैराबोला का एम स्लोप का ये टेंजेंट है वैसे ही इस पैराबोला का एम स्लोप का ये टेंजेंट हो जाएगा।